दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में हजारों सालों तक राजा महाराजाओं का शासन रहा है। आजादी के समय पूरे देश में लगभग 500 से ज्यादा रजवाड़ों का शासन था, जिनसे जुड़े कई किस्से कहानियां आपने सुनी भी होंगी, जो उस समय भी अपने शाही ठाट बाट के साथ जिंदगी जी रहे थे। लेकिन देशी रियासतों के एकीकरण के समय इनमें से ज्यादातर रजवाड़ों का विलय भारत में करा लिया गया। इसके साथ ही हमारे देश में राजशाही का दौर भी खत्म हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई राजघराने आज भी ऐसे हैं जो अब भी ठाट बाट शान और शौकत के साथ रहते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको अपने इस वीडियो में हमारे भारत के कुछ ऐसे ही शाही परिवारों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन शाही परिवारों के बारे में। जोधपुर शाही परिवार। दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान के जोधपुर शाही परिवार की बात करते हैं। जोधपुर का ये शाही परिवार देश के सबसे प्रसिद्ध और चर्चित शाही परिवारों में से एक है। आज इस फैमिली के प्रमुख गज सिंह है, जिनके पास उम्मेद भवन के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा निजी घर है, जिसमें 347 के करीब कमरे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि उम्मेद भवन भारत के सबसे महंगे होटल में से एक है, बल्कि इसके एक हिस्से को होटल बना दिया गया है, जिसे मैनेज करने के लिए प्रसिद्ध ताज ग्रुप के साथ जोधपुर की रॉयल फैमिली ने करार किया हुआ है। उम्मेद भवन के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि साल 1929 में जब भीषण अकाल पड़ा था, तब उम्मेद भवन को तोड़ दिया गया था ताकि इसे दोबारा बनवाकर लोगों को रोजगार दिया जा सके। इस पूरे भवन को ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट होटल का अवार्ड भी दिया गया है। वैसे उम्मेद पैलेस के अलावा जोधपुर की इस रॉयल फैमिली के पास कुछ और शानदार किले भी हैं। बड़ौदा की रॉयल फैमिली। अब बात करते हैं बड़ौदा के शाही परिवार की। बड़ौदा की रॉयल फैमिली भी अपने ठाट बाट के मामले में किसी से कम नहीं है। आज के समय में बड़ौदा रॉयल फैमिली के प्रमुख समरजीत सिंह गायकवाड़ है, जिनका रियल एस्टेट का कारोबार है। बिजनेस के क्षेत्र में इन्हें अरबपति माना जाता है। इनके पास विश्व प्रसिद्ध 600 एकड़ में फैला 187 कमरों का महल है, जिसका नाम लक्ष्मी निवास है। लक्ष्मी निवास महल को सन 1890 में महाराजा सयाजी राव तृतीय ने बनवाया था। इस महल में सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा इस भव्य महल में पर्सनल गोल्फ कोर्स भी है। हालांकि इस शाही परिवार में काफी सालों से प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद चल रहा है, जिसे 2013 में सुलझा लिया गया था। वाडियार रॉयल फैमिली। अब बारी आती है मैसूर के वाडियार राजवंश के राजा यदुवीर राज कृष्ण दत्ता वाडियार की। यदुवीर राज कृष्ण दत्ता वाडियार 29 साल के हैं। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी वाले इस राजा के पास 15 लग्जरी कारों का कलेक्शन है। इसके अलावा इनके पास कई महंगी गाड़ियों का भी कलेक्शन है। गौरतलब है कि पूर्व राजा श्रीकांत दत्त 4 बार मैसूर से सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने 2004 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में 1,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होने की बात कही थी। राजकोट रॉयल परिवार। दोस्तों, जब बात चले शाही परिवारों की, तो भला उसमें राजकोट का शाही परिवार कैसे पीछे रह सकता है? इस शाही फैमिली के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर पैसों की बात की जाए तो इस फैमिली के पास अरबों रुपए की सिर्फ प्रॉपर्टी ही है। और युवराज मांधातासिन जडेजा राजकोट के राजघराने के प्रमुख हैं। मांधातासिन जडेजा अब पूरी तरह से बिजनेस में उतर चुके हैं। इसमें इन्होंने हाइड्रो पावर प्लांट और बायोफ्यूल डेवलपमेंट के क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। इसके साथ साथ इस शाही परिवार ने पूरे गुजरात में पिज्जा स्टोर खोलने के लिए अमेरिका की एक बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी की है। बाकी शाही परिवारों के साथ साथ इस रॉयल फैमिली के पास भी शानदार रोल्स रॉयस कारों का जबरदस्त कलेक्शन है, जो उनकी रईसी में और 4 चांद लगाती है। अलसी सर की रॉयल फैमिली। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि ज्यादातर जो शाही परिवार है उनका रिश्ता कहीं ना कहीं राजस्थान से ही होता है, और हमारे इस लिस्ट में ऐसा ही एक और शाही परिवार शामिल है जो राजस्थान के अलसी सर का शाही परिवार है। इस परिवार के मुखिया अभिमन्यु सिंह है। इन्हें खेतरी का राजा भी कहा जाता है। इस रॉयल फैमिली की जयपुर और रणथंबोर में कई बड़ी हवेलियां हैं।
जयपुर वाली अलसीसर हवेली को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। ये हर साल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डांस फेस्टिवल मैग्नेटिक फील्ड के को स्पॉन्सर भी है। अभिमन्यु सिंह के पास 1953 में इस्तेमाल होने वाली अमेरिकन आर्मी की जीप है। जीप को अमेरिका ने कोरिया युद्ध के समय पाकिस्तान को दिया था, जिस पर 1962 में भारत ने कब्जा कर लिया था। बाद में अभिमन्यु सिंह के दादा ने इस जीप को नीलामी में खरीदा था। बीकानेर शाही परिवार। अब नंबर आता है बीकानेर के शाही परिवार का। इस परिवार के भी अपने अमीरी के अलग ही किस्से हैं। फिलहाल इस फैमिली की एकमात्र वारिस राजश्री कुमारी है, जो शूटिंग में खासी दिलचस्पी रखती है, और शूटिंग की फील्ड में ही राजश्री कुमारी ने अर्जुन अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा राजश्री कुमारी राजस्थान के कई चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रमुख भी हैं, और इनके नाम से कई समाज सेवी संस्थाएं भी चलती है। बीकानेर की रॉयल फैमिली के वारिस राजश्री कुमारी का एक हेरिटेज होटल भी है, जिसका नाम लालगढ़ महल है। इस महल के अंदर श्री सादुल नाम का म्यूजियम भी बना हुआ है, जिसमें कई पुराने हथियार सहेज कर रखे गए हैं। अगर आप कभी कभी बीकानेर जाना हो तो एक बार यहाँ जरूर जाकर आए। मेवाड़ राजघराना। दोस्तों, ऐसे तो बहुत से राजघराने हैं, पर मेवाड़ के राजघराने की बात ही कुछ और है। मेवाड़ राजघराना हमेशा से करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों का शौकीन रहा है, और वर्तमान में इस राजघराने के प्रमुख संरक्षक अरविंद सिंह हैं। ये भी महंगी कारों के शौकीन है। मेवाड़ राजघराने का राजस्थान में होटल का बिजनेस है, जिसका नाम HRH ग्रुप ऑफ होटल्स है। इसके अलावा मेवाड़ राजघराने के पास उदयपुर की लेक पिछोला में जाग मंदिर के नाम से बहुत ही खूबसूरत होटल भी है। आपको बता दें, इस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर खुद अरविंद सिंह मेवाड़ है, जिनका 12 लोगों का स्टाफ है। लग्जरी कारों के अलावा अरविंद सिंह के पास कई रोल्स रॉयस गाड़ियां भी है। हम आपको बता दें, ये सभी रोल्स रॉयस गाड़ियां अरविंद सिंह के नाम रजिस्टर्ड नहीं है। वास्तव में ये सारी गाड़ियां मेवाड़ के अलग अलग राजाओं की निशानियां हैं। इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज के कई मॉडल और एक MGTC भी है। मेवाड़ राजघराने के संरक्षक अरविंद सिंह अक्सर नई नई गाड़ियों के लॉन्चिंग कार्यक्रमों में देखे जाते हैं। जयपुर का शाही परिवार। अब आखिर में बारी आती है पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर की। जयपुर का शाही परिवार राजपूतों के वंशज का है, जिन्हें कछवाहा वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग प्रभु श्री राम के पुत्र कुश के वंश का होने का दावा करते हैं। महामहिम भवानी सिंह इनके अंतिम महाराजा थे। भवानी सिंह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने 2002 में अपनी बेटी के बड़े बेटे पद्मनाभ सिंह को गोद लिया था। पद्मनाभ सिंह इस शाही परिवार की परंपरा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। पद्मनाभ सिंह राष्ट्रीय स्तर के पोलो खिलाड़ी भी हैं। तो दोस्तों, ये थे वो शाही परिवार, जिनके शाही ठाट बाट के जलवे आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं और हमें राजशाही परिवार का एहसास दिलवाते हैं। इन परिवारों में आपका पसंदीदा परिवार कौन सा है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, और अगर Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर दें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।